मैं नितिन कुमार जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नितिन कुमार जांगिड़ में। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान के लिए। तो भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है अपनी यूनिट नंबर वन वो स्टार्ट करेंगे, और यूनिट वन में जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो चैप्टर वन है, चैप्टर वन का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये आपके चैप्टर वन का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये? तो इस चैप्टर को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या कहता है? ये स्थिर वैद्युतिकी नाम से पता लग रहा है, स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ जो चलायमान ना हो, और वैद्युतिकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्युत की सबसे छोटी इकाई है आवेश। तो क्या समझ में आया आपके? स्थिर आवेश। तो मतलब जो ये यूनिट अपन पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, अपने पहले यूनिट में दो चैप्टर हैं, बुक का चैप्टर वन और टू कौन सी यूनिट में आता है? स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी का मीनिंग क्या है? मीनिंग है स्थिर आवेश। मतलब भौतिक विज्ञान में अलग अलग शाखाएँ हैं, जैसे यांत्रिकी, ऊष्मा गतिकी, तरल यांत्रिकी, इसी तरह एक और शाखा है स्थिर वैद्युतिकी। तो इस शाखा में हम क्या करते हैं बताओ? इस शाखा में हम स्थिर आवेश और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जो स्थिर आवेश है और उनसे होने वाले प्रभावों का हम क्या करते हैं बताओ? अध्ययन करते हैं। तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और साथ में लिखते रहें। मैं आपको समझाने के साथ साथ नोट्स भी लिखाऊंगा, आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास का मज़ा लेने के लिए आप नोटबुक और पेन को हाथ में रखें और खुद के हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे नोट्स बनाएँ, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग के लिखे हुए नोट्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, जल्दी याद होते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो ये, तो आप हेडिंग डालेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आपको क्या लिखना है? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी? आवेश। तो अगला टॉपिक आपके पास क्या निकल के आता है? विद्युत आवेश। मतलब सॉरी थोड़ी खांसी है, बट आई विल मैनेज। देखो विद्युत आवेश, तो जो चैप्टर का नाम है वहीं से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, विद्युत आवेश। ठीक है, क्या होता है विद्युत आवेश ये आपको सीखना है। तो विद्युत आवेश क्या है? कि विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुण है। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसका एक मूलभूत गुण है विद्युत आवेश। तो इस विद्युत आवेश के कारण क्या होता है? कि यदि किसी वस्तु में ये गुण विद्यमान है तो उस वस्तु के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस वस्तु के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और साथ में क्या उत्पन्न हो सकता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। तो विद्युत आवेश की जो पहली डेफिनेशन बनती है, पहली डेफिनेशन क्या है? कि यदि किसी वस्तु में ये वाला गुण है तो वह वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकती है। क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र? ये आगे अपन 12th क्लास के सिलेबस में कंटिन्यू पढ़ेंगे, है ना। पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे फिर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र का मतलब आप ये ले सकते हो कि विद्युत का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है? विद्युत का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है? जैसे चुंबक होती है, चुंबक के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें यदि कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो वह चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। कर लिया जाता है नहीं, तो वह आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं?
यदि किसी वस्तु में ऐसा गुण विद्यमान है जिसके कारण उसके आसपास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, या दोनों में से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऐसा यदि हो रहा है तो उस वस्तु में वो जो गुण है वो कौन सा गुण है? विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश की पहली डेफिनेशन क्या बनती है कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। एक और डेफिनेशन अपन ऐसी बना सकते हैं कैसे, कि विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रख दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच में या तो प्रतिकर्षण होता है या फिर आकर्षण होता है। मतलब यदि आप दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रख दो और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाती हैं या फिर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से आकर्षित हो जाती हैं, तो पक्की बात है कि दोनों वस्तुओं में कौन सा गुण विद्यमान है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है, ये आपको समझ आती है कि विद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण दो वस्तुओं को एक दूसरे के निकट रखने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव होता है। तो ये था आपके पास विद्युत आवेश। बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका वो है आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा धनावेश और दूसरा कौन सा होगा आपके पास ऋणावेश। क्या समझते हैं आप धनावेश और ऋणावेश से? आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? धनावेश। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? ऋणावेश। अब देखो, त्यागने पर धनावेश आया, मतलब परमाणु में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आएगी बताओ? कमी। तब परमाणु पे कैसा आवेश आएगा? धनावेश। और जब परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से कैसा आवेश आएगा बताओ? ऋणावेश। क्लियर होता है आपको? ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, कोई भी वस्तु, जरूरी नहीं है परमाणु, कोई भी वस्तु है, यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आता है बताओ? धनावेश। और यदि कोई वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आता है बताओ? ऋणावेश। तो कुल मिला के धनावेश और ऋणावेश क्या है? कुछ नहीं। देखो, आवेश का निर्धारण होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से या इलेक्ट्रॉन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई तो धनावेश आ गया, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई तो क्या आया बताओ? उस पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो आवेश के ये दो प्रकार माने गए हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा पानी पी लें, गर्मी ज़्यादा है। देखिए आप, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखिए आप आगे। तो आवेश के दो प्रकार हो गए, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश कैसी राशि है। तो आप छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखेंगे इसके बाद। पहला पॉइंट, आवेश कैसी राशि है बताओ? अदिश राशि। अदिश आप समझते हैं ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो MKS पद्धति में या SI पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, न्यूमेरिकल हल करते समय ये मात्रक अपने काम में आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अन्य छोटे मात्रक लेते हैं। जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो बहुत कम आवेश वहाँ दिया होगा, तो वो कम आवेश छोटे मात्रकों में मापा जाएगा। तो छोटे मात्रक आपको कैसे मिल सकते हैं? जैसे मिला 1 mm और C, ऐसा लिखा होगा, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 1 mC, ऐसा लिखा होगा, इसको पढ़ेंगे 1 μC, 1 μC,
एक होगा आपके पास 1 NC, एक नैनो कूलम, और एक होगा 1 PC, एक पीको कूलम। तो ऐसे छोटे मात्रक भी आपने को देखने को मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। तो देखिए आप 1 MC, देखो 1 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम को यदि कूलम में बदलना है तो 1000 का भाग लगाते हैं, और वैज्ञानिक अंकन पद्धति में ऐसे लिख सकते हैं कि 10^-3 से हम गुणा करते हैं। समझ गए आप, एक में 1000 का भाग लगाओ तो नीचे 10^3 हो गई, और 10^3 को ऊपर ले जाएं 10^-3, तो आप सीधे याद कर सकते हो कि मिली कूलम को कूलम में बदलना है तो आप 10^-3 से गुणा करेंगे, और माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना है तो 10^-6 से गुणा करेंगे, और नैनो कूलम को कूलम में बदलना है तो 10^-9 से गुणा करेंगे, और पीको कूलम को कूलम में बदलना है तो हम 10^-12 से गुणा करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है कूलम, और छोटे मात्रक आपके सामने ये लिखे हुए हैं। आगे अगर बात करें तो आवेश की विमा आपने 11th क्लास में पढ़ी, जो फर्स्ट चैप्टर था मात्रक एवं विमाएं, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ आवेश की विमा क्या होगी। तो आवेश की विमा ज्ञात करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T। तो एक्चुअल में ये आवेश का फार्मूला होता है, तो आवेश का फार्मूला क्या हो गया, T×I। ठीक है, अब इसकी विमा लिखें तो आवेश की विमा क्या निकल के आती है, अपन ऐसे लिखते हैं m द्रव्यमान यहाँ पे नहीं आया तो 0, लंबाई यहाँ पे नहीं आई 0, t मतलब समय, समय आया तो t1, और धारा, धारा को क्या लिखते हैं a1। आप चाहो तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो t1 a1। ठीक है, t1 a1, ta, ऐसा आप याद कर सकते हो, मतलब आवेश की विमा क्या होती है t1 a1। ये आपको याद रखनी है क्योंकि आगे 12th क्लास में जितनी भी अपन क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, उनमें आवेश की विमा की जरूरत पड़ेगी। अगर उन राशियों की विमा आपको पता करनी है तो आपको आवेश की विमा आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि आवेश की विमा क्या होती है, T1 A1 होती है। ठीक है, अब आगे अपन बात करने जा रहे हैं, नई हेडिंग डाल ली आपको, जो है आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या गुण होते हैं आवेश के, है ना। तो जब हम आवेश पढ़ रहे हैं, अपने चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, तो पहला टॉपिक विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। अब अगर आपको इसमें आवेश के गुण पता करने क्या क्या गुण होते हैं, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला गुण बड़ा आसान, कि जो आवेश है ना, आवेश 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 को क्यू से व्यक्त करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। तो आवेश जो है वो निर्भर करता है वेग पर, और मैंने इसको काट दिया ऐसे, तो मतलब ये निर्भर नहीं करता है। तो पहला गुण क्या लिखना है आपको, कि आवेश कभी भी वेग या चाल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई भी आवेश है, जैसे मान लो आपके पास 10 कूलम आवेश है, किसी वस्तु में 10 कूलम आवेश है, तो वो वस्तु चाहे स्थिर रहे या फिर गतिमान हो, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, चाल पर निर्भर नहीं करता। दूसरा गुण जो आता है आपके पास, गुण नंबर 2, दूसरा गुण कहता है कि आवेश, ये जो आवेश है, ये आवेश द्रव्यमान के बिना अस्तित्व में नहीं है। ऐसे लिख दूं, आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। इसका मीनिंग क्या समझे आप, इसका मीनिंग ये समझे कि अगर कहीं पर आवेश है तो पक्की बात है वहाँ द्रव्यमान भी होगा। मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं मिलेगा, आवेश तभी मिलेगा जब द्रव्यमान होगा। क्लियर है, तो यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो पक्की बात है उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। जैसे आप देखो, मैं एग्जांपल बताऊं, आवेश है तो द्रव्यमान होगा। जैसे प्रकृति में सबसे छोटा कण ले अपन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलम, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसका द्रव्यमान भी होता है 9.1×10^-31 kg होता है, यानी बोलो
तो मतलब यदि किसी कण पर आवेश है तो पक्की बात है कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, आवेश कितना होता है न्यूट्रॉन पे, जीरो। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10^-27 kg। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कथन आपको समझ में आया कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश उपस्थित हो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान होगा, मतलब आवेश द्रव्यमान के बिना कभी नहीं मिल सकता। तो ये है आपका गुण नंबर 2। बात करते हैं हम गुण नंबर 3 की। तीसरा गुण आपको क्या कहता है देखिएगा आप। तीसरा गुण कहता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय, सजातीय समझते हो, एक ही जाति के, एक ही प्रकार के, जैसे धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश, तो सजातीय आवेशों को यदि एक दूसरे के निकट रखा जाए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि विजातीय आवेशों को एक दूसरे के निकट रखा जाए, विजातीय जैसे 1+1-, ये विजातीय आवेश है, इनको एक दूसरे के निकट रखा जाए तो फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर? तो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, ये अपना तीसरा गुण है। बात करते हैं गुण नंबर 4 की। चौथा गुण क्या कहता है कि जो स्थिर आवेश होते हैं, स्थिर आवेश, आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बताओ, गतिमान आवेश। तो गतिमान आवेश जो है वो देखो आप, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है लेकिन साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है, स्थिर आवेश से केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिमान आवेश से विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम CBSE और RBSE में कई बार पूछा गया है कि गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आपको याद रखना है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अभी थोड़ा समझ में कम आया होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मैंने हल्का सा अभी बताया था कि जैसे मान लो आवेश है, ये धनावेश है, या आप इसकी जगह ऋणावेश भी ले सकते हो, मान लो ये ऋणावेश है, तो ये जो धनावेश से इसके चारों ओर क्या होता है, इसका प्रभाव होता है। इस क्षेत्र में यदि कोई अन्य धनावेश आ जाए तो ये इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित, और यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य ऋणावेश आ जाए तो ये इसको क्या कर लेगा, आकर्षित। ठीक है? तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है? और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आप जानते हो, कोई भी एक चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वो चुंबक उसे आकर्षित कर लेती है, तो वो आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। जैसे कोई स्थिर धनावेश है तो इसके आसपास क्या उत्पन्न होगा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और मान लो कि ये आवेश यदि गतिमान हो जाए, तो गतिमान हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में एक और उत्पन्न होगा, क्या बताओ, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, एक्चुअली हमने 10th क्लास में पढ़ा है, हालांकि कोरोना की वजह से आपकी क्लास नहीं लग पाई, एक बड़ी महामारी आई, दुखद महामारी, जिसने मतलब एजुकेशन सेक्टर को बड़ा प्रभावित किया, आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई। तो यदि आपने 10th क्लास में पढ़ाया तो याद करो कि ये आवेश यहाँ गतिमान हुआ, मतलब आवेश प्रवाहित होने लगा, और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आवेश जब प्रवाहित होने लगा मतलब यहाँ धारा बहने लगी, और जब धारा बहने लगी तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर में विद्युत में, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा अपने आसपास क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, पहले तो ये याद रखें कि जब आवेश गतिमान होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और विद्युत धारा यदि उत्पन्न होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये 10th में पढ़ा है।
और मान लो आपने नहीं भी पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या था, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे चैप्टर एक और दो में, और इसके बाद जो यूनिट नंबर तीन आएगी जिसमें चैप्टर चार और पाँच है उसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। चैप्टर चार में मुख्यतः गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे चैप्टर चार का। अभी आप सीधे याद रखेंगे कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये गुण जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, अगला गुण अगर मैं बोलूं, चार गुण मैंने आपको बता दिए और तीन चार गुणों पे अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो पांचवा गुण आता है उसको अपन एज ए हेडिंग लेंगे, तो पांचवें गुण में आप हेडिंग डाल सकते हो आवेश संरक्षण। और संरक्षण शब्द से आप पहले से परिचित हैं, संरक्षण शब्द जहां भी संरक्षण शब्द आ जाए, संरक्षण शब्द इसका मतलब क्या होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है टेंथ में ऊर्जा को, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या इसको अन्य शब्दों में थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी विलगित वस्तु या वस्तु की जगह आप लिख सकते हो वस्तु या निकाय, या तो वस्तु बोल दो या बोल दो निकाय। अब वस्तु तो एक होगी और निकाय क्या होगा, कई वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है बताओ, निकाय कहलाता है। तो किसी भी विलगित वस्तु या निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, कुल आवेश सदैव नियत रहता है। नियत मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक शब्द है विलगित, विलगित से क्या समझते हो, विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड मतलब ऐसी वस्तु जो अन्य किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है, ऐसी वस्तु जो अन्य किसी वस्तु के संपर्क में नहीं है, सभी वस्तुओं से अलग करके रख दी गई है। तो उस पर जितना आवेश प्रारंभ में दिया गया है, आप कभी भी चेक करें, कितने दिन के बाद भी चेक करें, उस पर आवेश उतना ही बना रहेगा। मतलब उसका कुल आवेश प्रारंभ में जितना था हमेशा उतना ही मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि किसी भी आइसोलेटेड मतलब विलगित वस्तु या निकाय का कुल आवेश सदैव नियत बना रहता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। या इसकी जगह अगर ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है तो वो भी आप बोल सकते हो कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये था आपके पास गुण नंबर पांच। बात करते हैं गुण नंबर छह की, तो गुण नंबर छह आपके पास आता है आवेश का क्वांटीकरण। ये गुण भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके आरबीएससी और सीबीएसई में कई बार पूछा गया है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, कोई एक वस्तु है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इस पे कैसा आवेश आएगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगी जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इस पे कितना आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इस पे कितना आवेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, दो गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर धनावेश। अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो कितना धनावेश आएगा, तीन। मतलब सिंपल सी बात हो गई, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो आवेश आया एक ही, दो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो दो ही, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागे तीन ही, और मान लो n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो आवेश कितना आ गया, n ही। मतलब इस वस्तु पर जो हमें आवेश मिलेगा वो कितना होगा, n गुणा e। बोलो गए नहीं, क्यों किसको व्यक्त कर रहा है, वस्तु पर आवेश, e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपको पता होना चाहिए कि ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
और आपको याद होगा 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। नहीं, बात करते हैं n क्या है। n यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक है, दो त्यागे तो दो है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है q बराबर ne। अब मान लो ये तो त्यागने की बात हुई, तो त्यागने पे तो कैसा आवेश आएगा वस्तु पे, धनावेश। अगर मान लो ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, कैसे करेगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, या दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, या n इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला तो वही निकल के आएगा ne, लेकिन ग्रहण करने पे वस्तु पे कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। तो इसलिए इस फॉर्मूले में आगे आप प्लस और माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। तो प्लस और माइनस का चिन्ह का मतलब ये राशि धनात्मक और ऋणात्मक नहीं है। प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है, मतलब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है। जबकि माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, तो प्लस चिन्ह धनावेश को व्यक्त करता है और माइनस चिन्ह ऋणावेश को व्यक्त करता है। तो बताओ आवेश का क्वांटीकरण क्या हुआ, तो क्वांटीकरण को आप बनाएं। देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ n का मान क्या हो सकता है, तो n का मान ऐसे तो होगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है। अगर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है तो प्लस एक, और ग्रहण किया गया तो माइनस एक, चिन्ह के साथ ले दो तो प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन ऐसे लिख सकते, या प्लस माइनस को साइड में रख दो, प्लस माइनस फॉर्मूले में लगा रहने दो, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आवेश नहीं है किसी वस्तु पे तो जीरो भी लिख सकते हैं। तो आपने गणित में पढ़ा होगा कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या। अगर चिन्ह को नहीं लेते हैं अपन तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और ई जो है, ई ई का मान हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। तो ई का मान हमेशा निश्चित रहता है, तो हम क्या बोल सकते हैं आवेश के क्वांटीकरण में, कि किसी भी वस्तु पर, कोई एक वस्तु है तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश सदैव एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज गुणा कर रहे ना इसको, तो पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। ध्यान से सुनेंगे आप फिर से, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश सदैव एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। इस निश्चित राशि को इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं, इसका मान ये होता है। ठीक है, और n को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का निर्धारण करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, q बराबर प्लस माइनस ne। देखो अब जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं, ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको RBSC और CBSE बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट नोट्स का पैकेज दिया जा रहा है। कंप्लीट नोट्स का पैकेज मतलब ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको NCERT की बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। आप केवल NCERT बुक में से ओनली एग्जांपल सॉल्व करें और बैक साइड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। बाकी बुक में से आपको एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NCERT बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, उसको रीड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं जब आपको नोट्स यहाँ बताऊंगा, जब भी मैं आपको नोट्स बताऊंगा तो आपको बुक में एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर में। ये नोट्स आपके पूरे बोर्ड के एग्जाम के पेपर को कवर करते हैं। पूरे 56 मार्क्स का पेपर जो 100% पेपर है वो हमारे नोट्स के अंदर से आएगा। बस बुक में से क्या सीखना है, क्या प्रैक्टिस करना है, बुक के एग्जांपल और बैक साइड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो घबराएं नहीं, हमारा साथ पकड़ें, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गए और 13वां साल है, एक दर्जन साल कंप्लीट कर लिए और काफ़ी विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। और अभी लास्ट जो 1 या 2 तारीख को, अभी 1 तारीख को आया था शायद रिजल्ट, तो 1 तारीख को जो 12th क्लास का रिजल्ट आया उसमें जो टॉपर स्टूडेंट है उसकी 97.50% बनी है और अच्छे मार्क्स लोगों, मतलब स्टूडेंट ने प्राप्त किए। अगर हम जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 90+ मार्क्स लगभग 15 स्टूडेंट के हैं, 90+ मार्क्स हैं, और 95+ जो मार्क्स हैं लगभग 6-7 स्टूडेंट के 95+ मार्क्स हैं। और पिछले अगर 12 साल में अगर कंपेयर करें तो बच्चों को
कई बार 100 मार्क्स दिला चुके हैं, 99, 98 तांता लगा हुआ है, तो हम सब मिलके एक अच्छे मार्क्स मतलब वन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट नोट्स का पैकेज होगा चैप्टर वन से लेके लास्ट चैप्टर तक एज इट इज़। और साथ में आपको ऑनलाइन में ही मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा और जो अपने एग्जाम्पल है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी एक दो दिन में चालू करने वाले हैं, तो कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का आप टेलीग्राम चैनल पे डालें, मुझसे जुड़ें और उनके सॉल्यूशन प्राप्त करें, ठीक है। और अंत में यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और अच्छा मटेरियल उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों को दिखाएँ और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।